हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पिछले वाले वीडियो में अपन ने लगभग 60 क्वेश्चन किए थे एनसीएल के पेपर के, यानी ये इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, और वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, सक्रिय तत्वों के लिए गलत कथन कौन सा होता है? ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, चार्ज के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, ऊर्जा भंडारण और निर्वहन के लिए प्रयुक्त होते हैं, वर्तमान कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल। वर्तमान बोलते हैं करंट, करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सक्रिय तत्व होते क्या है। एक तो होते हैं मेरे पास एक्टिव एलिमेंट, एक होते हैं मेरे पास पैसिव एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किससे बने होते हैं मेरे पास, जो जितने भी अर्धचालक होते हैं, यानी ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर से, अर्धचालकों से। और पैसिव एलिमेंट तीन ही होते हैं, आर, एल और सी, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीन प्रकार के पैसिव एलिमेंट होते हैं, इनके अलावा जितने बच गए सारे क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट। अब पूछ किसके बारे में, एक्टिव एलिमेंट के बारे में। अब एक्टिव एलिमेंट अर्धचालक के बने होते हैं, इसलिए ये ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं, यानी ये ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। चार्ज के प्रवाह कंट्रोल भी कर सकते हैं ये, क्योंकि अपने पास जितने भी इन्वर्टर होते हैं ये सब क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, पर ऊर्जा भंडारण और निर्वहन यानी कि डिस्चार्ज करने के लिए इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, सी ऑप्शन। तो एक उत्तर क्या है इसका, सी। ये इसका क्या है, गलत कथन। अब ये गलत कथन क्यों है, क्योंकि ऊर्जा का भंडारण यानी कि एनर्जी स्टोरेज केवल एल और सी कर सकते हैं, अर्धचालक नहीं कर सकते। अगर ये पेशियों के बारे में पूछा होता तो इसका उत्तर क्या आता मेरे पास, सी ऑप्शन की। ये जो पेशियों एलिमेंट होते हैं वो ऊर्जा क्या कर सकते हैं, भंडारण और स्टोरेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कौन सी विद्युत धारा की इकाई को परिभाषित नहीं कर रहा, जो मात्रक वगैरह होते हैं वो उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये तो एक्यूरेट इसका क्या है, सही है, एम्पियर। ये तो विद्युत धारा का मात्रक होता भी है। और आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर। वी बटे आर यानी वी बोले तो वोल्टेज, आर बोले तो ओम, वोल्ट प्रति ओम। ये भी क्या इसका सही है। और आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी। क्यू बोले तो कूलाम, टी बोले सेकेंड, गुलाम प्रति सेकेंड। ये भी क्या इसका सही, बच कौन सा गया, बी ऑप्शन। ये इसका क्या है, गलत। तो उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। तो ये विद्युत धारा ये मात्रक हो सकता है, ये भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है। ये तीनों मात्रक विद्युत धारा के होते हैं, पर गलत कौन सा है मेरे पास, ए सॉरी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु से बना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आर्किंग कॉन्टैक्ट, मेन कॉन्टैक्ट, आउटर बॉडी, आर्क क्यूचिंग रोड। टंगस्टन जो कॉपर होता है उसकी मिश्र धातु का कॉन्टैक्टर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कॉन्टैक्टर। अब कॉन्टैक्टर कौन से बनाते हैं ये बता देता हूँ, ऐसे कॉन्टैक्टर बनाते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा। ताकि अगर कॉपर और टंगस्टन होता है कठोर धातु और कॉपर होता है चालक, इन दोनों से मिला के अगर बना दिए ना, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है, क्योंकि एलोय होता है वो, एलोय के जितने भी एलोय होते हैं उनका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इससे वे कॉन्टेक्टर बनाते हैं जो क्या होते हैं, मेन। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। यानी कि मेरे पास सर्किट ब्रेकर में जो मेन कॉन्टेक्टर होते हैं वो कॉपर और टंगस्टन मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही कठोर धातु होती है, इसका गलनांक ज्यादा होता है, इससे वही कॉन्टैक्टर बनेंगे जो मेन होते हो या उनके अंदर ज्यादा विद्युत धारा रहती हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूजिंग कारक को परिभाषित करने वाला कौन सा घटक सही है। तो फ्यूजिंग कारक यानी मेरे पास फ्यूज जो होता है वो कब भी पिघलेगा, इसके बारे में बताने के लिए मेरी फ्यूज की करंट है, यानी फ्यूज की करंट बटे फ्यूज होता है उसके ऊपर जो रेटिंग होती है फ्यूज की, डिवाइड बाई वो फ्यूज की रेटिंग करंट,
इन दोनों का अगर मैं अनुपात कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्यूजिंग कारक आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन, फ्यूजिंग की करंट बटे करंट की रेटिंग ऑफ फ्यूज। ठीक है, उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, सर्किट ब्रेकर के गलत करते हुए के रूप में किसे दिखाया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, देखो, विच इज नॉट कंसिडर एज ए टाइप ऑफ ओवरलोड रिले, यानी जो ओवलसी होती है उसको उसके लिए यहाँ पे गलत कथन कौन सा होता है। तो ओवलसी कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि ओवलसी कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये इधर से पॉजिटिव दूंगा इधर से नेगेटिव दूंगा तभी काम करेगी। चाहे आप इधर पॉजिटिव दे दो इधर नेगेटिव दे दो, या इधर नेगेटिव दे दो इधर पॉजिटिव दे दो, दोनों तरफ ये काम कर सकती है, यानी दिशात्मक नहीं होती। थर्मल भी होती है, ठोस भी होती है, चुंबकीय भी होती है, पर दिशात्मक नहीं होती, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को देखकर काम नहीं करती। चाहे आप किधर से पॉजिटिव दो किधर से नेगेटिव दो, दोनों तरफ से ये काम कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सर्किट ब्रेकर का गलत गलत कथन कौन सा होता है, इसे बिना ज्यादा गर्म या क्षति के लगातार पूरा लोड करंट ले जाना चाहिए, यानी कि ये खराब नहीं होना चाहिए ज्यादा करंट से। यानी ज्यादा करंट से अगर सर्किट ब्रेकर खराब हो गया तो बार बार मुझे बदलना पड़ेगा, ये कथन तो क्या इसका सही है कि पूरी करंट इसको सहन करनी चाहिए, इसे बिना लोड के सर्किट को खोलना और बंद करना चाहिए। ये भी इसका क्या सही, यानी जब लोड नहीं होता उस टाइम ये ऑन ऑफ होना भी चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर ये खराब हो गया ऑन ऑफ नहीं हो रहा इसका मतलब वो कोई काम का तो है नहीं। ये सामान्य ऑपरेटिंग करंट को बढ़ाता हो तोड़ता हो, यानी कि जब करंट बढ़ जाए या घट जाए उस टाइम ये ऑन ऑफ कर देना चाहिए सर्किट को, ये भी क्या इसका सही। अगला क्वेश्चन क्या, यह फॉल्ट करंट होने पर सर्किट बनाने में सक्षम होना चाहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी जब फॉल्ट आया उस टाइम ये सर्किट को ऑन रख रहा है तो कोई काम का नहीं है, तो ये इसके अंदर गुण नहीं होना चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन, यानी कि मेरे पास सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है लोड के अंदर तो उस समय उसको सर्किट को तोड़ देना चाहिए, ना कि बनाए रखना चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, रिले सर्किट तत्वों की बिजली खपत का संकेत किसे दिया जाता है, यानी रिले है मेरे पास उसके अंदर बिजली खपत हो रही है और खपत होगी कहाँ पर, मान लीजिए कोई भी रिले है उसके जो कॉन्टेक्टर होते हैं ना वहां पर क्या होती है खपत, ज्यादातर कॉन्टेक्टर पर क्या होती है खपत, तो उसको लोड के रूप में नहीं जानते। लोड तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लग गई रिले, ये मेरे पास रिले और यहाँ पे लोड, तो लोड तो ये होता है यहाँ पर खपत होती है लोड के अंदर, तो ये तो रिले के अंदर नहीं आता तो ये तो नहीं आएगा। चुंबकीय कुंडली, तो रिले के अंदर चुंबकीय कुंडली होती भी है ना तो भी वो इसके अंदर नहीं आती, रिले को ऑपरेट करवाती, क्योंकि ये मान लीजिए मेरे पास क्या है कोई रिले, ये वाली ये रिले मान लेता हूँ मैं एक बार, ट्यूबवेल आ रहा है और यहाँ पे क्या है मेरे पास चुंबकीय कुंडली, तो ये इसके अंदर नहीं आती, ये अलग होता है तो ये भी नहीं आएगा। लॉस, तो रिले काम करेगी तो वो लॉस के अंदर काउंट नहीं होता। तो उत्तर क्या इसका, बर्डन। बर्डन का मतलब होता है जलना, यानी कि रिले के अंदर जितनी भी खपत होती है उसको अपन बर्डन कहते हैं। बर्डन का विशेष हिंदी अनुवाद क्या होता है, जलना, क्या होता है, जलना। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, किस प्रकार की रिले दो या दो से अधिक समान विद्युत मात्राओं के फेज अंतर अंतर को एक पूर्व निर्धारित मान से अधिक दर्शाता है, यानी एक रिले जो दो या दो से अधिक समान विद्युत मात्रा है उनमें फेज अंतर आ गया उनको पूर्व निर्धारित मान से अधिक दर्शाएगा, तो उनको कहते हैं अपन डिफरेंशियल रिले। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। ओवरलोड, ओवर वोल्टेज और थर्मल, ये वोल्टेज में परिवर्तन होने पर दर्शाती नहीं परिपथ सीधा तोड़ देती हैं, और डिफरेंशियल रिले क्या कर देती है दोनों के मान बता देती है अलग अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 400 केवी से कम के सिस्टम के लिए सर्किट ब्रेकर को सामान्य सिस्टम वोल्टेज से खाली स्थान का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी मेरे पास वोल्टेज 400 केवी से कम, 400 केवी से क्या है, कम, तो उस टाइम जितने भी अपन सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं या सर्किट ब्रेकर जितने भी काम में लेते हैं उनको डिजाइन किया जाता है कि वो इतने वोल्टेज पे काम करें, तो कितनी वोल्टेज के लिए उनको डिजाइन किया जाता है। तो मान लीजिए मैं 250 वोल्ट का क्या ले रहा हूँ सर्किट ब्रेकर, तो 250 का सर्किट ब्रेकर है
उसको 250 के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, उसे थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि थोड़ी बहुत अगर कभी घट जाए या कभी बढ़ जाए वोल्टेज तो वो उसको सेंड कर ले। तो वो कितने वो कितना परसेंट होता है, 10%, यानी 10% ज़्यादा वोल्टेज के लिए उनको डिजाइन किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फिक्स मान नहीं है, फिक्स वैल्यू है, तो इसको आप याद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, किस आपूर्ति लाइन की करंट रेटिंग ज्यादा होती है? अब करंट रेटिंग मीटर लाइन की होती है, सर्किट लाइन की होती है, मुख्य सर्किट लाइन की या पोल लाइन की? तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास खंबे, ये क्या खंबा, इस खंबे से एक तार जा रहा है और यहां पे लगेगा मीटर और उसके बाद में घर के अंदर चला जाएगा वो। तो इस खंबे के ऊपर जो तार जाते हैं मेन वाले, उनके अंदर करंट ज्यादा रहती है, वो पूरी पूरी अपने घर के अंदर नहीं आ पाती। तो सबसे ज्यादा करंट कहाँ पे रहती है, इस खंबे वाले तार में, यानी पोल लाइन के अंदर सबसे ज्यादा करंट होती है। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर सर्ज से किस प्रकार की रिले कम प्रभावित होती है? यानी पावर सर्ज से बहुत कम प्रभावित होने वाली रिले एक ही प्रकार की होती है, इंपीडेंस रिले यानी प्रतिबाधा रिले, और महो रिले जो अपने पास छोटी छोटी लाइनें होती है उनमें लगती है महो रिले, रिएक्टेंस रिले मीडियम लाइनों में। ठीक है, ये बातें याद रखें, ये तीनों रिले आपको याद करनी पड़ेगी। ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिले आती है। देखिए एक विद्युत चाप दो इलेक्ट्रोडों के बीच एक दृश्य प्लाज्मा निर्वहन है जो हवा में खाली स्थान आयनीकरण गैसों के कारण होता है। यानी कि मेरे पास हवा के अंदर दो मान लीजिए चालक पड़े हैं, कोई चालक पड़े हैं, कोई तार पड़ा है या कोई और चीजें पड़ी हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उनके बीच में स्पार्किंग होती है। किस वजह से होती है, करंट की वजह से। भाई करंट कितनी है वहां पर, अगर करंट नहीं होगी तो वहां पे स्पार्किंग नहीं होगी। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आधार 8 किस प्रकार की संख्या प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है? तो जिसका आधार 8 होता है उसको अपने क्या कहते हैं, ओक्टल। इसका क्या होगा उत्तर, सी ऑप्शन। दशमलव का कितना होता है, 10। बाइनरी का 2। हेक्साडेसिमल का 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की संख्या प्रणाली में अल्फा न्यूमेरिक प्रकार का वर्णन वर्ण होता है? देखिए अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं ए बी सी डी इस प्रकार को, तो ये किसके अंदर होता है, हेक्साडेसिमल के अंदर, क्योंकि हेक्साडेसिमल में एक से लेकर चलते हैं अपन 9 तक और 10 तक, उसके बाद ए बी सी डी चलने लग जाती है वहां पे, ए बी सी डी इस प्रकार। तो वहां पे ए बी सी डी आती है, ए बी सी डी किस में आती है, डी के अंदर। इसके अंदर 8 तक के अंक आते हैं, इसमें 10 तक आते हैं, इसके अंदर जो बाइनरी होती है 0, बाइनरी में 2 तक आते हैं, और सॉरी इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक अंक, उसके बाद में ए बी सी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेंड गेट के 4 इनपुट प्रकार में कितने आउटपुट प्रदर्शित होंगे? अगर नेंड गेट है उसके अंदर 4 इनपुट दे रहा हूं तो वहां पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा 16 का मिलेगा, कितने मिलेगा, 16 का। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर के। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर उसी के आते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम संख्या क्या है जो 4 बिट बी सी डी, बी सी डी बोलते हैं बाइनरी कोड डेसिमल के द्वारा दर्शाई जाती है, 4 बिट की है, तो 4 बिट के लिए अपन होती है 15। अब 15 क्या होती है, 4 बिट बता देता हूँ, एक देखिए 1 2 3 4, यानी 4 अंक हो गए। अब सबसे पहले आएगा 0 0 0, उसके बाद में आएगा 0 0 1, उसके बाद में 0 0 10, उसके बाद में 0 0 11, इस प्रकार चलती रहेगी, उसके अंदर 0 1 0 1 आता रहेगा। बट ये 4 अंक है, इनके लिए अपन अधिकतम कितना तक दर्शा सकते हैं, 16 तक। ठीक है, यानी जो हेक्साडेसिमल होती है वो 4 अंकों में ही दिखाई जाती है, और उसके अंदर क्या आएगा, 15, क्योंकि एक तो हो गया ए बी सी डी वाला अंक, ए बी सी डी वाला, एक हो गया 0 से लेके अपने पास 9 अंक, तो टोटल कितने हो गए, 16 अंक हो गए, 16 अंक दिखा सकती है यानी 15। तो बी सी डी द्वारा कितने बिट दिखा सकती है, 15। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनिवर्सल गेट किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यूनिवर्सल गेट कौन सी होती है, नॉट
और एंड, ये होते मुख्य गेट, ठीक है, ये होते मुख्य गेट, ये यूनिवर्सल गेट नहीं होते। जिनके अंदर ये तीनों गेट आ जाए ना, वो यूनिवर्सल गेट नहीं है। इसके अंदर एंड आ गया तो ये यूनिवर्सल गेट नहीं है, इसके अंदर एंड आ गया और भी आ गया, ये भी नहीं है, इसके अंदर नोट आ गया, ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन, यानी ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं जो इन गेटों के माध्यम से बनाए जाते हैं, मुख्य गेट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप में कौन सी स्थिति अगली अवस्था में कोई परिवर्तन के रूप में नहीं दिखाई जाती, यानी जेके जो फ्लिप फ्लॉप होता है, जे और के फ्लिप फ्लॉप होता है, इसके अंदर जो आउटपुट निकलेगा जब कब चेंज नहीं होगा, जब जे का मान एक और के का मान एक रहेगा तो इनका आउटपुट भी क्या रहेगा, एक और एक ही रहेगा आउटपुट भी, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता इस टाइम, ठीक है। और ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है जेके फ्लिप फ्लॉप। और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी याद रखें। अगला क्या है, एक बिट डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एक बिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं, और एक बिट से ज्यादा करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, रजिस्टर का। और एंड गेट, गेट का प्रकार है एंड गेट, नेंड गेट, और ये बहुत सारे गेटों से मिला के क्या बनता है, फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉपों से मिला के क्या बनेगा, रजिस्टर। तो ये एक मेमोरी एलिमेंट होता है, इसका उपयोग अपने मेमोरी कार्ड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, टी फ्लिप फ्लॉप द्वारा कितने आउट इनपुट टर्मिनल का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने पास जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है उसके अंदर दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और आउटपुट रहता है एक, और एक क्या, कितना आउटपुट है एक, वो जो शेष फल रहेगा वो भी कितना रहेगा, एक टर्मिनल। तो टोटल आउटपुट टर्मिनल कितने होते हैं, दो, इनपुट वाले भी दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक घटक नहीं है, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इनमें से कौन सा घटक नहीं है, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट, यूजर इलेक्ट्रिकल लोड, कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है, यूजर इलेक्ट्रिकल लोड, तो जितने भी लोड होते हैं यूजर के उनके अंदर भी क्या लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है, कि अपने पास यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कोई रिले लगा दी, कोई कुछ लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया। और इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट के अंदर भी क्या लगती है, रिले लगती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है। और इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है, जैसे मान लीजिए मोटर हो गई, अब मोटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाना कोई जरूरी नहीं होता। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार की कोई युक्ति नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर की गलत गुणवत्ता कौन सी होती है, तो पावर कन्वर्टर अधिकतम दक्षता देता है, अधिक विश्वसनीय होता है, न्यूनतम लागत होती है, कम उपलब्धता होती है। तो उपलब्धता क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक सस्ती भी होती है और ज्यादा उपयोग भी की जाती है और इसकी दक्षता भी क्या रहती है, ज्यादा, पर इसका जो उपलब्ध होती है यानी जगह जगह ये मिल जाती है, सॉरी कम मिलती है, ये बात इसकी क्या है, गलत है। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किस सुविधा का वर्णन किया जाता है कि जब एनोड को सकारात्मक वोल्टेज और गेट को एक शून्य वोल्टेज डिस्कनेक्ट किया जाए तो कैथोड को नकारात्मक वोल्टेज सौंपा जाता है, उसको कहते हैं अपना ऑफ स्टेट फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग मोड। यानी कि मेरे पास जो एसीआर होता है, एसीआर में एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है मेरे पास गेट, अगर दोनों को मैं प्लस प्लस दे दूं और गेट को क्या दे दूं, जीरो, उस समय ये काम नहीं करेगा। और एनोड किसका होता है, प्लस का होता है, कैथोड किसका होता है, माइनस का। अगर इसको मैंने प्लस दे दिया, एनोड को क्या दे दिया मैंने, प्लस, कैथोड को मैंने क्या दे दिया, माइनस, और गेट को मैं कुछ भी नहीं दे रहा, उस टाइम भी ये काम नहीं करेगा और रहता किसके अंदर, फॉरवर्ड के अंदर। तो इसको अपने किस नाम से जानते हैं, फॉर ऑफ स्टेट फॉरवर्ड ब्लॉक मोड, यानी ऑफ रहेगा पर फॉरवर्ड के अंदर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यानी यहाँ पे डायग्राम दिया गया, डायग्राम किसका है ये पूछा गया है, बीजेटी का नहीं है, डायग्राम दो ही टर्मिनल होते हैं, मोस्ट में तीन होते हैं, पर एनोड एनोड नहीं होते इसके अंदर, बच गया किसका, ट्राइक। तो ये ट्राइक का क्या है, डायग्राम है, तो ट्राइक के अंदर दो एनोड और गेट पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बीजेटी के परिवहन कारक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी बीजेटी के अंदर जो करंट का प्रवाह होता है उसका प्रतिनिधित्व कौन
कौन करता है, यानी इनपुट करंट होती है एक आउटपुट करंट होती है, वो कैसे दिखा सकते हैं अपन? तो अपन कलेक्टर और एमिटर करंट का अनुपात से उसको दिखा सकते हैं, यानी इनपुट देंगे अपन एमिटर में, आउटपुट आउटपुट मिलेगी कलेक्टर से, बीच में रहता है बेस। बेस का काम लोड से जुड़ना नहीं होता, और इसके अंदर इनपुट, इसके अंदर आउटपुट, यानी आउटपुट बटे इनपुट से अपन उसको दिखा सकते हैं। उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? तो बीजेटी नहीं होता, ये क्या होता है? ट्रांजिस्टर। मोसफेट भी नहीं होता, ये मतलब इन्हीं ट्रांजिस्टरों में थोड़ा सुधार करके क्या बनाएगी? मोसफेट बनाएगी। और ये यूजेटी प्रकार का क्या होता है? ट्रांजिस्टर। आगे आगे ट्रैक, ट्रैक दो SCR से बना होता है, पर IGBT होता है, ये अपने पास VFD बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और ये तो बड़ा होता है और इसकी दक्षता भी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा इसकी लागत भी क्या पड़ती है? महंगी पड़ती है। इसके अंदर मोसफेट प्लस BJT दोनों मिलके इसको इसका निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखना, BJT और मोसफेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? चार टर्मिनल डिवाइस कौन सी होती है, यानी जिसके अंदर चार टर्मिनल होते हैं? FET में तीन होती हैं, SCR में भी तीन होते हैं, मोसफेट में भी तीन होते हैं, तो IGBT में कितने होंगे? चार होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? मोसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक परत होती है जो खालिस्तान के रूप में काम करती है, तो मोसफेट के अंदर सिलिकॉन किसकी परत होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 की परत होती है ऊपर, यानी मान लीजिए क्या मेरे पास मोसफेट, इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है एच अलग लेयर, वो किसी बनी होती है? SiO2 की, तो इसका प्रतिरोध बढ़ा देती है इनपुट वाला, तो वो बनी होती है मेरे पास सेमीकंडक्टरी, किसी बनी होती है सेमीकंडक्टरी। उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन वांछित खाली स्थान से स्वतंत्र होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, पहले बात बता दूं, ये है पोलोट्रेन के लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, पोलोट्रेन के लेवल के क्वेश्चन, तो ये इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इनका सीधा उत्तर देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आते तो। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एक्शन वांछित खाली स्थान से स्वतंत्र होता है, यानी जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो आउटपुट सिग्नल से को लेना देना नहीं रखता, सीधा आउटपुट क्या देता है? ये आउटपुट में दे देता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसे कंट्रोल सिस्टम होते हैं जिनके अंदर इनपुट और आउटपुट का कोई लेना देना नहीं होता। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट और फीडबैक सिग्नल के बीच का अंतर खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। क्लोज के अंदर इनपुट और फीडबैक के बीच का अंतर को अपन क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर, यानी उसके अंदर क्या आ गया? त्रुटि, कितनी त्रुटि आई है उसको अपन क्या क्या कहते हैं? एरर सिग्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओपन लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही होता है? तो ओपन लूप सिस्टम के लिए अपने पास डिजाइन करना मुश्किल होता है? नहीं होता, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बनाना बहुत ही आसान काम होता है, इसके अंदर ज़्यादा लागत भी नहीं आती, प्रतिक्रिया पथ मौजूद होते हैं, ये भी सही बात है, यानी इसके अंदर जो अपने पास फीडबैक के लिए तार जुड़े होते हैं, फीडबैक के लिए अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, एक नियंत्रण क्रिया वांछित आउटपुट पर डिपेंड करती है, ये भी सही बात है भाई, आउटपुट कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है अपने जो कंट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर, ये किफायती होते हैं, यानी इनका उपयोग ज़्यादा होता है? नहीं होता, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उपयोग ज़्यादा होता है, ओपन लूप का ज़्यादा नहीं होता। उत्तर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। अगला देखिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये बता दो, ये किफायती होते हैं, डिजाइन करना मुश्किल होता है, नियंत्रण क्रिया वांछित आउटपुट से स्वतंत्र होती है, ये तीनों तो अभी बताए थे, ये इसके लिए क्या है? काम नहीं करते, आउटपुट एकदम क्या दिया जाता है? इसको सटीक दिया जाता है, ये आउटपुट एक्यूरेट देता है, जो भी देता है, पर कम देता है, कम देता है, कम कंट्रोल करता है, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते, सस्ता पड़ता है, और इसका डिजाइन करना आसान होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा डायग्राम। ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम किसको दिखाता है? यानी ये तो गया मेरे पास कोई सिग्नल इनपुट, ये मिला मुझे आउटपुट, यहाँ से मैंने इसको क्या दिया? फीडबैक। और इसका जो किस प्रकार का फंक्शन है ये पूछा है, यानी जी के प्रतीक क्या निरूपित करते हैं?
या जी यहाँ पे जो जी दिया गया ये किस प्रकार का फंक्शन दे रहा है इनपुट में आउटपुट में या ट्रांसफर कर रहा है उसके बारे में ये बता रहा है। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में ये बता रहा है और फीडबैक के बारे में एच बता रहा है। ओपन लूप गेन है, नहीं ये क्लोज है पूरा, देख लो क्या ये क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्या यदि 1+gh का मान 1 से कम है तो संवेदनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 1 से कम रहना चाहिए 1+gh का मान, तो संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब gh का मान क्या है एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये मान दिया जाता है g और h का फीडबैक के साथ मल्टीप्लाई होता है और आउटपुट मान लीजिए 1 है, सॉरी इनपुट क्या है 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो क्या रहेगा मेरे पास आउटपुट रहेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक प्रणाली को खाली स्थान कहा जाता है यदि उसका आउटपुट कंट्रोल में हो, यानी एक प्रणाली को स्थिर कहेंगे जब उसका आउटपुट क्या हो मेरे पास कंट्रोल में हो, जब आउटपुट कंट्रोल में नहीं हो उसमें उसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल यानी अस्थिर कहेंगे। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन, इनसे कोई मतलब ही नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणितीय मॉडल का उपयोग कंट्रोल प्रणाली मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं किया जाता, यानी कौन से गणितीय मॉडल का उपयोग कंट्रोल प्रणाली में नहीं करते अपन, वो है मेरे पास इंटीग्रेशन इक्वेशन मॉडल, यानी इंटीग्रेशन इक्वेशन मॉडल का उपयोग अपन नहीं करते, डिफरेंशियल का प्रयोग करते हैं क्योंकि कंट्रोल प्रणालियों के अंदर दो दो जो भी चीज़ें आएंगी, दो दो फंक्शन आ जाएं या दो दो सप्लाई आ जाए उनके बीच में अंतर बताने का काम किसका होता है, डिफरेंशियल का, ट्रांसफर का होता है इनपुट आउटपुट का अनुपात, और स्टेट का जो काम होगा वो होगा पूरे इस ब्लॉक का जो आउटपुट रहेगा उसके बारे में, पर इंटीग्रेशन का प्रयोग नहीं करते अपन। ठीक है ये सारे अपने पास कंट्रोल सिस्टम के हैं, कंट्रोल सिस्टम के CS के, ये आता है अपने पास डिप्लोमा में, तो ये डिप्लोमा के क्वेश्चन हैं तो आप इनको थोड़ा सा देख लें, जो बच गए क्वेश्चन उनके बारे में अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये वीडियो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।